हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए पियर कैप की स्टेजिंग लेके आया था लास्ट वीडियो में। तो तब मैंने खाली स्टार्ट किया था पियर कैप की स्टेजिंग कैसे करते हैं। आज मेरी स्टेजिंग मतलब टॉप तक चली गई है। वहाँ पे अभी ISMB भी हम रख रहे हैं। देखिए आप ऊपर में ISMB का सेटअप, यूजैक डाल दिया है ऊपर में। यूजैक का सेटअप हो गया है। अब ISMB रख के उसके ऊपर सी चैनल और उसके ऊपर मेरी रखेगी MS प्लेट। तो मैं आपको बताया था कि पियर कैप की स्टेजिंग में 300 mm की क्या एक क्रीप्स 5 to 6 मेट्रिक टन लोड कैरी करती है। तो मेरा शाफ्ट भी ये 2.5 मीटर का है, तो उसमें शाफ्ट भी इंक्लूडिंग है, लेकिन हमने शाफ्ट को कंसिडर नहीं किया है। तो ये मेरी ये कैप 51 मीटर क्यूब, इतना कंक्रीट लगता है इसमें। तो देखिए हमने इसका सेटअप कैसे किया हुआ है। ये 300 बाई 300 की क्रिप्स है मेरी। इसको पूरे साउल में और स्पिरिट लेवल यूज़ करके सेट किया हुआ है। लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें PCC के ऊपर और PCC टू अर्थ। ये देखिए, और इसकी दूरी भी कितनी रखी है। इसको हमने 16 mm का सरिया, जो हमारे पास 20 mm का स्टील था, उसको टाइप किया हुआ है। देखिए इधर अभी सेफ्टी बेल्ट भी पड़ा है। लेबर अभी लंच के लिए गई है हमारी। ये आउटर वाला पोर्शन, इसका आउटर का भाव 2 मीटर 2.125 आता है। देखिए 16 mm के साथ इसको टाई किया हुआ है। अभी इसमें ब्रेसिंग भी लगाना बाकी है और MS पाइप भी लगाएंगे MS क्लैंप के साथ। इसमें स्टूल फिक्स कर दिया है। अभी इसकी ऊपर का सेट हमें ISMB रख के और उसके ऊपर MS पाइप के साथ करेंगे। तो MS पाइप का मैं वेट कैलकुलेशन लेके आऊँगा। तो ये कितनी क्रिप्स है आप देख सकते हो। एक लाइन में मैंने 3 क्रिप्स रखी हुई है, 1, 2 और 3। और ऐसे कितनी लाइन है मेरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, टोटल मेरी 8 लाइन है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। पियर कैप स्टेजिंग कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मेरी टोटल कंक्रीट आ रहा है मेरा 51 mm³। और इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। इसका वेट निकाल रहे हैं हम, तो 51 × 2.5 127.5 मेट्रिक टन, इतना इसका वेट आ रहा है। तो टोटल हमारी कितनी क्रिप्स थी, नंबर ऑफ क्रिप्स हमारी थी टोटल 8 रोए। और कितनी लाइन है ऐसी, 3, एक रो में 3 लाइन्स, तो 24 हो गई मेरे टोटल। तो टोटल वेट भागीले नंबर ऑफ क्रिप्स, तो वेट कितना आया, 127.5 मेट्रिक टन डिवाइडेड बाय 24। तो देखिए 127.5 डिवाइडेड बाय 24, तो एक क्रिप्स के ऊपर लोड आ रहा है मेरा 5.31 मेट्रिक टन, 5.312 मेट्रिक टन। तो मैंने आपको बताया था क्रिप्स मेरी, क्रिप्स की साइज़ क्या है, क्रिप्स की साइज़ है मेरी 300 बाय 300 mm की। तो 300 mm की एक क्रिप्स कैरी करती है
5 to 6 मेट्रिक टन। तो ये सेफ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा कितना लोड आया यहाँ पे 5.321 मेट्रिक टन। यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन मेरा 2.5 मीटर का जो शाफ्ट है तो इसमें से आधा लोड तो मेरा बोथ शाफ्ट लेने वाले हैं। ये 2 मीटर का नहीं है, 2.5 मीटर का शाफ्ट है। तो पियर कैप का आधा लोड दोनों शाफ्ट के ऊपर भी आने वाला है, और प्लस मैंने एक क्रीप के ऊपर मतलब 5.3 मेट्रिक टन आ रहा है। तो इसकी मैक्स 6 कैरिंग कैपेसिटी है एक क्रिप्स की। तो देखिए मतलब इसमें जितना लोड सेंटर वाले पोर्शन में ज़्यादा आने वाला है, आउटर कैंटिलीवर पोर्शन में तो मेरा पूरा लोड शाफ्ट ही लेगा, और इनर वाला भी कम से कम शाफ्ट ही लेगा। खाली 5 मीटर 500 की ये जो वीड्थ है मेरी, दोनों बोथ शाफ्ट की दूरी 5 मीटर 500 है, तो 5 मीटर 500 में जितना लोड आने वाला है वही मेरा क्रिप्स लेगा। तो उसी हिसाब से हमने सेट किया हुआ है अभी, मतलब अब पूरा सेफ है मेरा स्ट्रक्चर स्टीचिंग। तो अभी इसके ऊपर ISMB और सी चैनल है, तो अभी कंप्लीट होने के बाद इसका जब MS प्लेट लगेगी और साइड का टेपर पोर्शन भी मेरा फाइनल हो जाएगा। तो टेपर वाला जब बनेगा तो मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा। अरे देखिए ये शाफ्ट मेरा टोटल 2.5 मीटर का डाया है इसका। और यह हमारा लास्ट वाला LHS साइड ऑल डेक स्लैब कंप्लीटेड। और ये रही 2.5 मीटर स्पीयर शाफ्ट की शटरिंग। जब हमारी फाइनल लिफ्ट चल रही थी तभी हमने इसका फिलिंग का और स्टेजिंग का प्रोसेस चालू कर दिया था, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि हम वेट कर सकें। काम भी स्पीडली है बहुत। यहाँ पे लास्ट कैप की डिशटरिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको विद कैलकुलेशन वीडियो लेके आऊँगा, तो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अगर मैं आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।